कैसे इसको जॉब को फाइंड करना है, क्या उसके रोल्स होते हैं, हम कैसे बैच बनवा सकते हैं। तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। 3 वीक्स में 2700 बन गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। और आप देख रहे हो गए कि यार मैंने ये बहुत मोटी सी जैकेट पहनी है, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखी होगी। दरअसल अभी सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं है, दैट्स वाई जो भाई मुझे दोबारा पहननी पड़ी है। तो सीन यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि यार हम जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हैं, तो आप सिक्योरिटी की जॉब करते हो तो आप हमें बताओ कि यार सिक्योरिटी की जॉब कैसी होती है, इसमें क्या करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पर आके, ताकि हम सिक्योरिटी की जॉब कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ये नहीं कहता कि जॉब ना करो, मैं ये कहता हूँ कि आप देखो आप किस चीज़ में अच्छे हो, ठीक है, आपको कौन सी जॉब सूट करती है, आपकी यूनिवर्सिटी के पास कौन सी जॉब है जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ एक एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा है। अब सीन ये है कि सिक्योरिटी की जॉब, डिलीवरी की जॉब, चिकन शॉप की जॉब और जो छोटी मोटी यहाँ पर शॉप्स होती हैं ना, ठीक है, रिटेल शॉप्स हो गई, इन्हीं के ऊपर जो मैंने देखा है ज़्यादातर जो है ना लोग काम करते हैं और इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर फीसिस निकलती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई और जॉब ना करो, हर एक बंदे की अपनी किस्मत होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आके आप इन्वेस्ट ना करो, पहले ट्राई करो कि आपको बगैर कुछ इन्वेस्ट किए यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको बैच बनवाना पड़ेगा, कम से कम 500 से 600 पाउंड उसका खर्चा है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना यहाँ आते, पहले ट्राई करो, अपने आसपास आपको जॉब मिलती है तो ट्राई करो, आपको वो जॉब मिले, अगर नहीं मिलती एट द एंड फिर आप बेशक अपना लाइसेंस बनाओ डिलीवरी का, या आप सिक्योरिटी करना चाह रहे हो तो सिक्योरिटी का आप कर लो। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज था अगर हम जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इवन के सितंबर इनटेक वाले भी बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए थे कि यार हमें आप गाइड करो कि कैसे इसको जॉब को फाइंड करना है, क्या उसके रोल्स होते हैं, हम कैसे बैच बनवा सकते हैं। तो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर आप लोग यहाँ सिक्योरिटी करने का सोच रहे हो तो अपनी होम कंट्री से कहीं से भी आ रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, करेक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप कहते हो। ये आपके पुलिस थाने से बनता है, ठीक है, जो आपका बड़ा एक थाना होता है ना वहाँ से बनता है। आपको वहाँ जाना है, उनको सारा पता होता है, आपको उनको बताना कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो आपको बना के दे देंगे। आपको उसको अटेस्ट भी करवाना है, ये मैं पहले ही बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अटेस्ट नहीं करवाते और यहाँ आके फिर उनको अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो इसको मूफा से, पाकिस्तान से हो तो मुझे पाकिस्तान का पता है, पाकिस्तान से मूफा से इसको अटेस्ट करवाना पड़ता है। आप खुद जाके भी करवा सकते हो, आप TCS वाले के पास चल जाओ, उसको बता दो, उसको भी पता होता है, आपसे 1500-2000 लेगा, मेरे टाइम पे इतना था, पता नहीं कितना हो गया होगा रेट। तो वो आपको टेस्ट करवा के कुछ दिनों के अंदर आपके घर भेज देंगे। अब ये होगी पाकिस्तान की बात, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ गए हो, अब यहाँ आते हो तो आपको उसके लिए एक बैच चाहिए होता है, सिक्योरिटी के काम करने के लिए आपको एक बैच चाहिए होता है, ब्लू कलर का एक बैच होता है। अब उसके अंदर बहुत से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें CCTV का भी आ जाता है, जिसमें जो मैं कर रहा हूँ डोर सुपरवाइज़र का बैच आ जाता है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड का भी आ जाता है। 80-90% जो है वो डोर सुपरवाइज़र का चलता है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा 80-90% सेक्टर्स के अंदर ना यही चलता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप चेकिंग कर सकते हो नेक्स्ट पर्सन की। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का बनाते हो, बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड का बैच बनवा लेते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड के अंदर आप नेक्स्ट पर्सन की चेकिंग नहीं कर सकते, गार्ड की इतनी हैसियत नहीं होती जो डोर सुपरवाइज़र होता है। क्योंकि डोर से समझ रहे हो, डोर के जो डोर के ऊपर खड़ा होता है फॉर एग्जांपल, वो बंदा चेकिंग भी कर सकता है, उसके पास राइट्स होते हैं। उसके बाद CCTV का आ जाता है, तो CCTV के अंदर आपको CCTV के ऊपर बैठना पड़ता है, लेकिन उसकी जो जॉब्स हैं वो 5% हैं, ठीक है, उसकी जॉब्स अच्छी हैं लेकिन वो 5% होता है, और वो ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है जो फुल टाइम वाला बंदा हो, ठीक है। तो आपको बनवाना है डोर सुपरवाइज़र, ठीक है। अब वो कैसे बनवाना है, अगर आप लंदन में हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको एक बंदे का नंबर दे दूँगा, तो वो जो है वो आपकी हेल्प आउट कर देगा बनाने के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी और सिटी के अंदर हो तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने ये देखा स्कॉटलैंड वाली तरफ, मैनचेस्टर वाली तरफ, इवन के बर्मिंगम में भी जो है वो इतना ज़्यादा रुझाव नहीं है सिक्योरिटी की, वहाँ जॉब्स हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा आउटर साइड पे, और बैच भी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ बनवाते नहीं हैं, सारे लोग लंदन में ही आते हैं, ठीक है। मैंने आई गेस
मोर देन 2000 पीपल को अब तक वो नंबर शेयर कर दिया होगा उस बंदे का जिन्होंने उन लोगों का बैच बनवाया। और आप लोगों को ज़रूरी नहीं है आपको मुझे मैसेज करना है, आप आओ, आपका कोई जानने वाला है वो आप उससे भी पूछ सकते हो, अगर उसका कोई जानने वाला आप उससे भी नंबर लो। आपके आसपास बहुत सारे स्कूल्स होंगे, ठीक है, ये 7 दिन का एक कोर्स होता है। कुछ अदारे क्या करते हैं 2 से 3 दिन में भी बनवा देते हैं, इन शॉर्ट करके कुछ जो है वो 6 से 7 दिन की क्लासेस आपको दिलवाते ही दिलवाते हैं, उसके बाद आपका बैच बनता है, ठीक है। तो अब इसमें सीन ये है, आप चाहो तो उनसे डायरेक्ट जाके बात कर लो, चाहो मुझसे नंबर लेना हो तो मुझे मैसेज कर दें, आई डोंट माइंड, मैं फ्री हुआ तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपको वहाँ जाना है, एक ट्रेनिंग होती है जो मैंने ली, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ क्या क्या होता है। अब आप जाओगे वहाँ पर, एक बहुत बड़ा फॉर्म होगा, 3-4 घंटे तो आप उसको भरते लगोगे, ठीक है, वो फॉर्म भरोगे। उसके बाद 2-3 दिन आपको सारे टास्क बताएंगे क्या होता है, क्या होता है, ये ऐसे होता है। फिर एक दिन आपकी एक डिटेल वीडियो बनती है तकरीबन 20 मिनट की, 3 लोगों का ग्रुप होता है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है पूरा टास्क कि अगर कोई आ रहा है तो उसको आपको कैसे टैकल करना है, उसको क्या कहना है, कितने प्यार से कहना है कि सर हाउ कैन आई हेल्प, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। फिर एक पूरा एक मेथड होता है, वो भी आपको सिखाएंगे, वो भी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इस तरह करके ना 6-7 दिन का एक पूरा आपका कोर्स होगा। उसके बाद जो है भाई आपको लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा, आपको उसका पेपर भी देना पड़ता है, एक पूरा दिन उसका पेपर होता है। अब पेपर्स में क्या आता है, अगर तो आप किसी गोरे के पास हो तो वो सारा पेपर आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा, और उसमें 10% चांस है कि आप पास हो। अगर आप किसी देसी बंदे के पास जाते हो तो वो जो है वो आपको हेल्प आउट भी कर देगा पास होने के अंदर। तो ये सीन होता है इसके अंदर। अब जॉब की हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि CCTV भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, डोर सुपरवाइज़र भी है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कैटेगरीज इन सेंस कि अभी ठंड जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैंने बाहर वाली जॉब बहुत ज़्यादा की हुई है शुरू के अंदर। शुरू के अंदर आपको उक्का दुक्का जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये सारी वेबसाइट हैं, इनके मैंने नाम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप लोग यहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हो। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ अप्लाई करने के बाद आप क्या करो, आप अगर वॉक पे जाते हो, कहीं मॉल है, शॉप्स हैं, जहाँ भी आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आता है, इवन देसी है, गोरा है, काला, जो भी है, उसके पास जाओ, उससे पूछो भाई आपकी सिक्योरिटी कंपनी का नाम क्या है। ऑनलाइन अगर वो कहता है कि जी ऑनलाइन अप्लाई करो, तो कंपनी का नाम ले लो, ऑनलाइन जाके अप्लाई करो, नंबर देता है तो वेल एंड गुड है, आप लोग नंबर भी ले सकते हो। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया डोर सुपरवाइज़र के अंदर इसमें बहुत कैटेगरीज हैं, ठीक है, क्लब्स में काम कर सकते हो, बार्स में काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर सकते हो, लग्जरी रिटेल्स के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, मैकडोनल्ड पे काम कर सकते हो, KFC पे काम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि वो किस बंदे को रखना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है, हर जगह पे आप नहीं कर सकते, वो खुद बुलाते हैं, मोस्टली जितने मैंने नाम आपको बताए हैं ये सारे बुलाते हैं। उसके बाद आप 5-स्टार होटल्स पे काम कर सकते हो, ठीक है, 5-स्टार रेस्टोरेंट एक तो होते हैं लो लेवल, ठीक है, वो भी रखते हैं समटाइम, इवन के यहाँ पर यार पिछले दिन 14 अगस्त के ऊपर आइसक्रीम वाले ने भी रखा हुआ था। तो हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी है, वो बुलाना चाहते हैं, यानी मोस्टली वो बिजी डेज पे ही बुलाते हैं। उसके बाद आप लोग बिल्डिंग्स के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह आजकल जो है वो मैं कर रहा हूँ, और ये हर स्टूडेंट यही आके कहता है कि यार हमें जो है ना वो स्टैटिक जॉब चाहिए। स्टैटिक क्या होती है कि आपको एक जगह बैठना होता है, ठीक है, उसमें आपके पेट्रोल्स भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और रिटेल एक चीज़ होती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिलती है इन द बिगिनिंग, ठीक है, एंड तक बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ज़्यादातर थक के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें आपको तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, ब्रेक्स भी होती हैं लेकिन बंदा बोर हो जाता है। वो डिपेंड करता है, हर बंदे का अपना मूड स्विंग है, वो कहता है कि मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इन द बिगिनिंग हर बंदा करता है। मैंने 11-11 घंटे की 7-7 दिन भी काम किया हुआ है छुट्टियों के अंदर, बहुत से इवेंट आते हैं आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इवेंट्स पे आप लोग जब आपको समर ब्रेक्स होती हैं, मैं एक सही बात बताऊँ वैसे पहले मेरे 2 साल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, लेकिन इस साल जो है इतना इवेंट नहीं हुआ, मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं, लेकिन इस साल इतना इवेंट नहीं हुआ जितना लास्ट ईयर हुआ था। उससे लास्ट ईयर हुआ था तब बहुत अच्छे पैसे मैंने भी बनाए थे। 3 वीक्स के लिए मैं बर्मिंघम गया था कॉमनवेल्थ गेम्स की, वहाँ पर भी तकरीबन 3 वीक्स में 2700 बन गया था। उसके बाद यहाँ पर एक इवेंट था 16-16 घंटे की, वहाँ पे शिफ्टें थी, उस पर भी आई गेस मैंने 6 दिन में कमा लिया था यार 1000-1900 पाउंड तकरीबन कर लिया था।
उसके बाद इसी तरह छोटे 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 इवेंट्स करते करते आपके पैसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हर बंदे की अपनी किस्मत है कहाँ पे उसको काम मिलता है। इन द बिगिनिंग आपको क्लब्स में मिलेगा, बार्स में मिलेगा वीकेंड्स के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद रेस्टोरेंट्स में मिल सकता है, होटल्स में मिल सकता है, ठीक है। इनसाइड की भी जॉब्स होती हैं, आउटसाइड की भी जॉब्स होती हैं, लेकिन जो स्टैटिक जॉब्स होती हैं वो सारी किस्मत से मिलती हैं, ठीक है। इसमें एक और कैटेगरी भी आती है डॉग हैंडलर की, ठीक है, उसमें आपके पास एक कुत्ता आना लाजमी है, ठीक है। वो कुत्ते के साथ आपको एक साइड दे देते हैं, वो समटाइम 24/7 भी होती है, समटाइम वो 12 आवर्स की भी होती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा पे करते हैं आपको। इनके पे रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, डिपेंड करता है क्या किस एरिए में है, ठीक है, और कौन सी जगह पे है। फॉर एग्जांपल मिनिमम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपकी एज के हिसाब से होगा, ठीक है, 10 पाउंड 11 पाउंड 12 पाउंड। अगर आप ऐसा बाउंसर वगैरह कहीं काम कर रहे हो किसी क्लब बार के अंदर तो 15-16 पाउंड तक भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हो तो 13-14-15, वो डिपेंड करता है बिल्डिंग के ऊपर भी और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी, सीसीटीवी के ऊपर भी आपको यही है, लेकिन डॉग हैंडलर के ऊपर काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स इसके लिए आप लोगों को एक कुत्ता भी रखना पड़ता है। तो ये सारी कैटेगरी थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इवेंट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी क्रिसमस आएगा, जब जनवरी इनटेक वाले आ रहे होंगे तो क्रिसमस आएगा, उसके ऊपर बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। न्यू ईयर आएगा, उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, ठीक है, सेंट्रल के अंदर हाइट पार्क, वहाँ पर पूरे डेढ़ महीने का एक इवेंट चलता है, तो पूरे ग्राउंड के अंदर झूले लगे होते हैं और 24/7 वहाँ पर ऐसे ही जॉब मिलती है। तो ये सब कैटेगरीज हैं, अब डिपेंड करता है आपकी किस्मत आपको कहाँ पे जॉब मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी करना चाह रहे हो। तो भाई सर्दियों में बहुत टफ होती है, मैंने इस सीज़न बहुत कम किया क्योंकि बाहर बर्दाश्त से मेरे बाहर थी, मैं नहीं था जॉब कर सकता, मैं फ्रीज हो गया था। तो मैंने एक दिन की, मुझे 10 दिन की जॉब मिली थी, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, इंडोर देनी है तो दो वरना मैं नहीं करूँगा, तो मैंने वो नहीं की ऑफकोर्स, क्योंकि हेल्थ पहले है, ठीक है, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन ओबियसली जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। तो होप फॉर बेस्ट, जो भी आ रहा है बेस्ट विशेज है भाई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी कि आप लोग कहाँ कैसे किस तरह अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।